कल बादल फटने से केदारनाथ यात्रा में फंस गए थे 20 से अधिक बदरवासवासी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनडीआरएफ के अधिकारियों को फोन लगा सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया है कि वे अपनी जनता को अपना परिवार मानते हैं। बता दें कि बदरवास के करीब 60 निवासी केदारनाथ में चल रही यात्रा में गए हुए थे। बादल फटने की वजह से 20 निवासी यात्रा में ही फंस गए। जब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बदरवास के कथावाचक गोपाल महाराज से बात कर पूरी सूचना प्राप्त की। तुरंत एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर सभी को केदारनाथ से सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया। इस क्रम में आज सुबह सिंधिया ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों से फोन पर बात की और उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने बोला कि मैं आप सभी के साथ हूं, एनडीआरएफ आप सभी को जल्द ही सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाएगी। मैंने उत्तराखंड मुख्यमंत्री और सरकार से बात कर ली है, आप सभी को जल्दी सुरक्षित घर वापस लाऊंगा। बता दें कि कल मंत्री सिंधिया के आग्रह के बाद एनडीआरएफ ने 6 यात्रियों को केदारनाथ से सुरक्षित लाने का कार्य किया था। बारिश बढ़ने के कारण इस कार्य को रात के लिए रोक दिया था। वहीं आज सुबह बारिश बंद होने के बाद दोबारा रेस्क्यू मिशन को शुरू किया गया है। भगवान जी जी सर, हाँ कैसे हो आप? सब लोग सुरक्षित तो हैं ना? जी सर, भगवान की कृपा से बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहां कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता ना करें, और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। जी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप बहुत बहुत। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। जी जी अवश्य। हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता ना करें कोई भी। नहीं मैं अभी आपका फोन ऑन करके मैं सबको सुना देता हूँ आपको। हाँ सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूँ, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है गोपाल जी, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई और कुछ और भी जरूरत पड़ेगी मुझे सीधा फोन कर लेना। ठीक ठीक ठीक।